Hello friends, subscribe to our channel Pharma for You and press the bell icon for regular pharmacy updates. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा फॉर यू। आज हम बात करेंगे डिसोल्यूशन की। डिसोल्यूशन आखिर है क्या? अब किसी भी डोजेज फॉर्म की बात करें, अगर फॉर एग्जांपल सबसे बेसिक अगर हम बात करते हैं तो होती है टेबलेट। जब भी आप कोई डोजेज फॉर्म बनाएंगे तो आपका मेन एजेंडा होता है कि वो जब भी किसी पेशेंट की बॉडी के अंदर जाए तो वो जाके अपना काम करे। That means, अगर आपने 100 mg ड्रग दी है तो पेशेंट की बॉडी के अंदर 100 mg ड्रग पहुंच जाना चाहिए। तो जब भी आप टेबलेट फॉर्मुलेशन बनाते हैं तो इसके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसको आप मतलब जब टेबलेट आपकी बन के तैयार हो जाती है उसके बाद आपको इसके बहुत सारे इवोल्यूशन पैरामीटर्स होते हैं जो कि जज करना होते हैं, जैसे उसमें वेट हो गया, इसकी थिकनेस हो गई, डिसइंटीग्रेशन टाइम हो गया, डिसोल्यूशन टाइम हो गया। तो ये सारी चीजों से हम पता लगाते हैं कि जो हमने टेबलेट डोजेस फॉर्म बनाई है, डिसोल्यूशन कैप्सूल के लिए भी इसे यूज किया जाता है और बहुत सारे अदर डोजेस फॉर्म है उनके लिए भी डिसोल्यूशन यूज किया जाता है। तो इससे हम ये पता लगाते हैं इन सारे इवोल्यूशन पैरामीटर से कि जो हमने डोजेस फॉर्म बनाई है, फॉर एग्जाम्पल टेबलेट, वो बॉडी में पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर बॉडी में पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है तो पहुंचने की बात को हम बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। अब बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है? अनचेंज फॉर्म ऑफ ड्रग विच इज अवेलेबल फॉर सिस्टमिक सर्कुलेशन। बट इट आपने अगर 100 mg की टेबलेट बनाई है और वो एज इट इज बॉडी के अंदर आपने दी है और सिर्फ 80 mg आपकी बॉडी के सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर पहुंचती है तो दैट मींस जो 80% है 80 mg दैट विल बी द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ टेबलेट। ओके, तो अगर हम ऐसी बात करें, इसी से देखें हम, तो जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन होगा टेबलेट का वही इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बायो अवेलेबिलिटी। क्यों? क्योंकि एक बंदा, अगर एक पेशेंट ने टेबलेट खाई है तो सबसे पहले बॉडी में जाके वो डिसइंटीग्रेट होगी। ओके, दैट मींस अगर बड़ी टेबलेट है तो जब बॉडी के अंदर जाएगी तो वो छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर टूटेगी, दैट इज कॉल्ड डिसइंटीग्रेशन। और डिसइंटीग्रेशन हम डिसइंटीग्रेशन टाइम से पता लगा लेते हैं, वो भी एक इवोल्यूशन पैरामीटर है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आएगी दैट विल बी डिसोल्यूशन। मीन्स अगर ये छोटे पार्टिकल्स जब ये टूट चुके हैं इसके बाद ये डिसोल्व होना चालू होंगे। आपको पता है कि बॉडी के अंदर बहुत सारी मेम्ब्रेन्स होती हैं। अगर स्टमक की बात करें हम तो जब टेबलेट यहां पर डिसोल्व होगी तो यहां मेम्ब्रेन्स है वो एब्जॉर्ब होगी, पर जो यहां का मीडिया होगा वो हमें पता है क्या होता है, एसिडिक होता है। ओके, तो नॉर्मली जो स्टार्टिंग में जब डिसोल्यूशन चालू हुआ था, करना स्टार्ट किया था बहुत सारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ने, तो वो एसिडिक मोइटीज के लिए, मतलब जो एसिडी ड्रग होती हैं उन्हीं के लिए स्टार्ट किया था, क्योंकि एसिडिक ड्रग जब यहां स्टमक में जाएगी तो वो जल्दी से डिसोल्व होंगी और फिर यहां से एब्जॉर्व होंगी। एब्जॉर्व होने के बाद वो चले जाएंगी ब्लड वेसल्स के अंदर। ओके, ब्लड वेसल्स के अंदर आप सोचिए, अगर मैंने 100 mg की टेबलेट दी है तो ऐसा तो है नहीं कि पूरी 100 mg टेबलेट, यहाँ पे 100 mg ड्रग है तो यहाँ पर भी 100 mg होगी, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर बहुत सारे तरह से टेबलेट डिग्रेड होती है, एसिडिक डिग्रेडेशन होता है, आदि माउथ में लॉस हो जाती है। बहुत सारे लॉस होने के बाद फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सिर्फ 80 mg ड्रग आपकी ब्लड के अंदर पहुंची है। तो 80 mg क्या होगी? बायो अवेलेबिलिटी ऑफ दैट ड्रग, यानी 80 mg ड्रग पहुंची है बॉडी के अंदर। ओके, तो इसका एक सीधा सा तरीका क्या होता है कि आप किसी पेशेंट को टेबलेट खिलाओ
और थोड़े थोड़े समय पर उसके ब्लड के सैंपल्स निकालकर डिटेक्ट कर लो कि कितनी ड्रग उसकी बॉडी के अंदर पहुंची है, दैट विल बी कॉल्ड डिसोल्यूशन। अब जैसा कि हमने देखा कि आपकी टेबलेट बॉडी के अंदर आई, किसी पेशेंट ने टेबलेट को लिया, स्टमक के अंदर आई, डिसइंटीग्रेट हुई, फिर यहां पर डिसॉल्व हुई और ब्लड में चली, डिसॉल्व होने के बाद वो ब्लड में चली गई, ओके, जैसा मैंने आपको बताया। अब अगर आपको डिसोल्यूशन निकालना है या फिर डिसोल्यूशन दैट मींस डायरेक्टली बायोग्रेटी निकालनी है, तो उसकी जो मेथड यूज होती थी पहले, दैट विल बी इन वीवो मेथड। इन वीवो दैट मींस इनसाइड बॉडी, ओके। सिंपल सी लैंग्वेज में हम बात करेंगे कि आपके बॉडी में कितना आपकी ड्रग पहुंची है, ओके। आपने समय समय पर, फॉर एग्जाम्पल 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, ऐसे करके ब्लड के सैंपल विड्रॉ किए, उनको अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी या अदर मेथड से वहां डिटेक्ट किया आपने कि कितनी ड्रग है उसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल 10 mg पहले निकली, फिर 20 mg निकली, फिर 40 mg निकली, ऐसे ऐसे करके जो कंसेंट्रेशन है वो बढ़ती रहेगी, दैट मीन्स आपकी ड्रग बॉडी के अंदर जाती जाएगी। बॉडी के अंदर कब जाएगी? वो जब वो डिजोल्व होगी, ठीक है। तो पहले जब मेथड यूज होती थी वो इन वीवो मेथड यूज होती थी, पर एक्चुअली इसके अंदर प्रॉब्लम ये आती थी कि आपको सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए होता था, यानी पेशेंट चाहिए जिसका आप बार बार सैंपल निकाल सके, उसके बाद हाईली स्किल्ड पर्सन चाहिए आपको, और इसके बाद ये टाइम कंज्यूमिंग थी, बहुत समय लगता था इसके अंदर आपको धीरे धीरे वेट करना, स्टमक निकालना, और थोड़ा मतलब एक तरीके से टिपिकल प्रोसेस था। एक नॉर्मल हर जगह पर आप नहीं कंडक्ट कर सकते, किसी किसी स्पेसिफिक प्लेस या स्पेसिफिक एरिया या फिर स्पेसिफिक जगह पर ही आप इसे जाकर कंडक्ट कर पाते थे। तो ये प्रॉब्लम फेस होने लगी जब इन वीवो प्रोसेस अपन फॉलो करते थे। तो धीरे धीरे करके ये प्रोसेस को एक अच्छी प्रोसेस के अंदर डेवलप करना था, यानी कि चेंज करना था। तो 1970 के अंदर, तो 1970 के अंदर यूएसपी एंड नेशनल फार्मुलरी, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया एंड नेशनल फार्मुलरी ने एक इन विट्रो मेथड डेवलप करी, ओके। इन विट्रो मेथड के अंदर उन्होंने इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया डिसोल्यूशन एपरेटस, ओके, डिसोल्यूशन एपरेटस। डिसोल्यूशन एपरेटस के अंदर फिर डिसोल्यूशन स्टडी होने लगी। एक्चुअली डिसोल्यूशन एपरेटस कहीं भी लेके जा सकते हैं, किसी भी लेबोरेटरी के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं, दैट्स व्हाई उन्होंने इन विट्रो मेथड डिसोल्यूशन एपरेटस को 1970 में करा। उसके बाद डिसोल्यूशन एपरेटस का मेन एजेंडा क्या था? कि आपकी बैच टू बैच जो ड्रग रिलीज प्रोफाइल है वो अच्छी रहे, ओके, बैच टू बैच जो प्रोसेस रहेगी मतलब रिलीज का वो कंसिस्टेंस रहे। उसके बाद 100% रिलीज तक आप इसमें डाटा कैलकुलेट कर सके, तो डिसोल्यूशन एपरेटस को बनाया गया। उसके बाद डिसोल्यूशन एपरेटस वैसे तो 7 तरह के होते हैं, अभी फिलहाल अगर आप देखेंगे बुक्स के अंदर तो 7 टाइप्स के होते हैं, पर 2 सबसे मेन इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट इसको अगर बात करेंगे हम तो यूएसपी फर्स्ट एंड यूएसपी सेकेंड। पहला जो होता है वो होता है बास्केट टाइप, दूसरा जो होता है वो होता है पेडल टाइप, ओके। कभी भी कंफ्यूज ना हो, ये क्वेश्चन पूछते हैं कभी गेट के अंदर, यूएसपी फर्स्ट एपरेटस कौन सा है, सेकंड कौन सा है। तो पहले सीधी सी बात है, जब मार्केट जाएंगे तो सबसे पहले एक थैली लेंगे, उसके बाद साइकिल से पेडल मारते हुए मार्केट जाएंगे, थैली लेंगे और मार्केट जाएंगे पेडल मारते हुए। तो फर्स्ट इज बास्केट टाइप एंड द सेकेंड इज पेडल टाइप, क्योंकि पहले बास्केट आ रहा है फिर पेडल आ रहा है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन जीपेट में भी पूछा जाता है। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे यूएसपी वन और यूएसपी सेकेंड टाइप के डिसोल्यूशन एपरेटस की। अब हम बात करेंगे यूएसपी वन और यूएसपी टू डिसोल्यूशन एपरेटस की। यूएसपी वन होता है बास्केट होता है, यूएसपी टू जो होता है पेडल होता है। अब बास्केट से आप क्या समझते हैं? एक मेश की बास्केट होगी।
अब इसकी स्पेसिफिकेशन होती है, इसकी हाइट, इसकी वेट, इसका सर्कमफ्रेंस, वो आप लियोन लेकमैन से पढ़ सकते हैं। और मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि एक बास्केट होता है, बास्केट एक मेश होती है इसके अंदर, और इसके अंदर यहाँ पे कैप होता है जिसको आप खोल के अपनी टेबलेट को प्लेस कर सकते हैं। एक शाफ्ट होता है और एक बास्केट होती है। सेम पेडल के अंदर शाफ्ट होती है और नीचे एक पैडल होता है। ओके, अब ये दोनों जो होते हैं ये एक बीकर जैसे इक्विपमेंट के अंदर इमर्स्ड रहते हैं, टोटली इमर्स्ड रहते हैं। इसकी जो वॉल्यूम होती है वो होती है 1000 ml। जनरली हम इसके अंदर सिर्फ 900 ml तक ही सॉल्यूशन को फिल करते हैं। ओके, दोनों के अंदर सेम सिचुएशन होती है, दोनों इमर्स्ड होते हैं मीडियम के अंदर। जो मीडियम होता है दैट विल बी कॉल्ड एज डिसोल्यूशन मीडियम। अगर आप एक कन्वेक्शनल डोजेज फॉर्म की बात कर रहे हैं तो वो 2 आवर्स मान के चलते हैं बॉडी के अंदर रिलीज होगा, उसका डिसॉल्व होगा। तो उसके लिए हम, आप जानते हैं कि सबसे पहले जो टेबलेट जाती है, अभी हमने बात करी थी कि सबसे पहले जब बॉडी में टेबलेट जाती है तो वो कहाँ जाती है, स्टमक के अंदर। स्टमक का जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो एसिडिक होता है, 1.8 पीएच होता है। तो हम जो यहाँ पर डिसोल्यूशन मीडिया लेंगे वो 1.8 पीएच का लेंगे। ओके, अगर आप ज्यादा लंबी स्टडीज कर रहे हैं दैट मीन्स जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है तो वहां बेसिक होता है, तो उसके लिए अपना 6.8 पीएच का लेंगे। तो अगर आप लंबी स्टडीज कर रहे हैं, कंट्रोल रिलीज ड्रग्स फॉर्म की कर रहे हैं, सस्टेन्ड रिलीज ड्रग्स फॉर्म की कर रहे हैं, तो पहले 2 आवर्स आप 1.8 में करेंगे और उसके बाद के जितने आवर्स होंगे वो 6.8 यानी के जो बेसिक इन्वॉल्वमेंट होता है उसके हिसाब से करेंगे। अब जो बाहर की सिचुएशन है वो हमें एग्जैक्टली स्टोमक की जैसी करनी है। ओके, स्टोमक के अंदर टेबलेट गई, वहां जाके वो पेरिस्टेसिस मूवमेंट से मिक्स होती है, तो ये जो पैडल और अपनी बास्केट होती है रोटेट होती है, जिससे क्या हो, मिक्सिंग अच्छे से हो पाए। ओके, दोनों रोटेट होते हैं, एक फिक्स्ड स्पीड में रोटेट होते रहते हैं। फिक्स आप स्पीड जो होती है वो किसी भी मोनोग्राफ से, जिस टेबलेट का आप निकाल रहे हैं वो मोनोग्राफ में आप देख सकते हैं। ओके, उसके बाद ये जो पूरा सेटअप होता है ये एक अलग से वाटर बाथ में होता है, जिसका टेम्परेचर हम लगते हैं 37.5 प्लस माइनस 0.5, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। दैट मीन्स जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड हम बॉडी का टेम्परेचर बोलते हैं। तो यहाँ जो लिक्विड होगा, मीडियम होगा, उसका टेम्परेचर इतना रखा जाएगा। सीधे हमने क्या करा, इन विट्रो के अंदर, ये इन विट्रो टेस्टिंग है, इसको हमने ऐसा बनाया जो कि बॉडी के बिल्कुल, मतलब बिल्कुल बॉडी के समकक्ष लगे हैं। जैसे जो लिक्विड है वो भी हमने जो बॉडी के पेट के अंदर अपना लिक्विड होता है उसके हिसाब से बना दिया, पेरिस्टेसिस मूवमेंट होता है उसके हिसाब से हमने इसको रोटेशन दे दिया, मूवमेंट दे दिया। ओके, उसके बाद जो बाहर का टेम्परेचर है वो हमने 37 डिग्री जो बॉडी के अंदर भी टेम्परेचर वही देता है, हम सेम सिचुएशन वही देते हैं और डिसोल्यूशन अपरेटस को चालू करते हैं। ओके, उसके बाद हर एक टाइम इंटरवल के बाद 4-5 मिनट, समझ लो 5 मिनट्स 10 मिनट्स, एक छोटे छोटे इंटरवल के बाद हम एक पिपेट से यहाँ का सॉल्यूशन सक करते हैं, मतलब उसे बाहर निकालते हैं और उसको यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से आइडेंटिफाई करते हैं कि उस 5 ml के अंदर कितना कॉन्सेंट्रेशन, कितना ड्रग रिलीज हुआ है, और उसके हिसाब से हम 900 ml के अंदर कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना वो निकला है। अब सेम सिचुएशन दोनों के साथ होती है, बास्केट और पेडल। आपको मोनोग्राफ में देखना है कि आपको बास्केट यूज करना है या पेडल यूज करना है। पेडल के अंदर जनरली अगर टेबलेट फ्लोट होती है तो फ्लोट के ऊपर आ सकती है, तो अपन को एक छोटा सा वायर भी होता है जिससे हम इसको बांध के या नीचे प्लेस कर सकते हैं। इट डिपेंड्स, मोनोग्राफ के अंदर आप देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो USP1 ऑपरेटर से USP2 ऑपरेटर में जो डिसोल्यूशन टेस्टिंग होती है वो कब पास होती है और कब फेल होती है। किसी इंडस्ट्री के अंदर अगर हम जाएंगे तो वहां कैसे पता लगेगा आपको कि आप ये जो आपका टेस्टिंग है पास हुआ है या फेल हुआ है। सो हम बात करेंगे डिसोल्यूशन की, आपकी टेबलेट कब पास होगी और कब फेल होगी। ये डिसोल्यूशन ऑपरेटस है, हमने ऊपर से फोटो लिया इसका, ठीक है। ये 6 बीकर है जिसके अंदर हम टेस्टिंग करने वाले हैं। ओके, सबसे पहली स्टेज होती है S1 स्टेज, स्टेज 1। ओके, स्टेज 1 के अंदर हमें 6 टेबलेट्स लेनी है,
ओके, 6 टेबलेट्स लेनी है और 6 टेबलेट्स का डिसोल्यूशन स्टडी करनी है। ये सारे के सारे टेबलेट जब पास होंगी, जब इनकी रिजल्ट्स जो मोनोग्राफ के अंदर टॉलरेंस लिमिट दी है उस लिमिट के अंदर हो, क्यू के अंदर, तो टॉलरेंस लिमिट को हम बोलेंगे क्यू। जैसे अगर मोनोग्राफ टॉलरेंस लिमिट लिखी है 80%, 80% रिलीज होना चाहिए एक घंटे के अंदर, तो 6 टेबलेट जब 80% रिलीज हो जाता है एक घंटे के अंदर, यानी लिमिट के अंदर है, तो ये हो जाएगा पास, ठीक है। और अगर कोई यूनिट अगर लिमिट में नहीं होती है तो क्यू प्लस 5% मैक्सिमम लिमिट है, इसके बाहर नहीं जाना चाहिए। इसके अंदर भी आ जाती है तो भी हमारा जो टेस्ट है वो S1 स्टेज पास कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये फेल हो जाता है, ठीक है, अगर आपका लिखा 80% प्लस पर 95% आता है आपका ड्रग रिलीज, ठीक है, एक आर के अंदर, तो ये फेल हो जाएगा। फेल होने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेज को फॉलो करेंगे हम, जो कि कहलाएगी स्टेज सेकंड। स्टेज सेकंड के अंदर हम 6 टेबलेट एडिशनल लेंगे, ओके, एडिशनल 6 टेबलेट। 6 टेबलेट तो पुराना डाटा है ही इसी हमारे पास, अब 6 टेबलेट एडिशनल लेंगे। अब इसके अंदर क्या होना चाहिए, 12 टेबलेट का जो डाटा है वो इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यू, ठीक है, उससे टॉलरेंस लिमिट से कम नहीं आना चाहिए, ठीक है। टॉलरेंस लिमिट से अगर टॉलरेंस भी बोल रहे 80%, तो 80% से ऊपर रिलीज होना चाहिए। अगर कम रिलीज होता है तो फिर कोई सिंगल यूनिट क्यू माइनस 15 पे जा सकती है, ठीक है ना। जैसे अगर 80% बोल रहा है तो क्यू माइनस 15 कितना हो गया आपका 65, तो एक टेबलेट 65% रिलीज शो कर सकती है, बाकी सारी मतलब टोटल 12, 6A और 6A, ठीक है, टोटल 11 टेबलेट्स क्यू से ज्यादा ही आना चाहिए, ठीक है, जब जाके हम कहेंगे कि S2 जो है वो पास हुआ है। अगर 11 टेबलेट्स क्यू से ज्यादा आती है और एक टेबलेट्स क्यू माइनस 15 से कम के भी ज्यादा आती है तो हमारी स्टेज 2 पास कहलाएगी। अगर ये भी फेल हो जाती है तो तब हम जाएंगे S3 स्टेज पे। S3 स्टेज पे हम 12 टेबलेट्स एडिशनल लेंगे, 12 टेबलेट्स और नहीं लेंगे। उसके बाद जो 24 टेबलेट्स हैं उनका ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यू आना चाहिए। टॉलरेंस लिमिट मतलब अगर वही बात बोला मैंने, अगर 80% दी है वहां मोनोग्राफ के अंदर कि 80% रिलीज होता है एक घंटे के अंदर, तो सारी 24 टेबलेट्स एक घंटे के अंदर 80% रिलीज शो करना चाहिए। अगर नहीं कर रही है तो उसमें से जो 2 टेबलेट्स है क्यू माइनस 15 के पास तक जा सकती है तो भी हम इसे पास कहेंगे, और 2 से ज्यादा अगर क्यू माइनस 15 तक जा रही है तो ये भी टेस्ट फेल होगा और हमारी जो पूरी बैच है वो फेल कहलाएगी, ओके। तो ये 3 स्टेप्स में है, 6, 6 और 12, ओके, टोटल 24 टेबलेट्स की टेस्टिंग होती है अगर आप पहली स्टेज में फेल जाते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि S1 में 6 टेबलेट्स, S2 में 6 टेबलेट्स और S3 के अंदर 12 टेबलेट्स, ओके। तो ये तीनों टेबलेट्स में जब तीनों स्टेजेस में जाते हैं हम, तो S3 में जब पास कहलाता है जब आप इस लिमिट्स को फुलफिल करते हैं। ये जो लिमिट्स है ये आपको दी है USP में। वैसे नॉर्मली USP कहता है कि 45 मिनट के अंदर 75% ड्रग रिलीज हो जाना चाहिए, वही जो टेबलेट होगी डोजेस फॉर्म वो ही सबसे अच्छा होगा। सो मैंने बताया कि USP के अकॉर्डिंग 45 मिनट्स के अंदर अगर 75% ड्रग रिलीज हो जाती है, बायोबल हो जाती है, दैट मीन्स वो आपका डोजेस फॉर्म या टेबलेट अच्छी है, ओके। ये जो सारा मैंने आपको बताया ये सारा द इंडस्ट्रियल फार्मेसी लियोन लेकमैन से पढ़ाया, ओके। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जानेंगे कि जो आपने समय समय पर सैंपल विड्रॉ किए हैं डिसोल्यूशन एपरेटस से, उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, ओके। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ये स्टेप्स तो हमें याद हो जाती हैं कि डिसोल्यूशन क्या होता है, कैसे होता है, पर जो कैलकुलेशन होती है वो थोड़ी टफ होती है। पहले भी हमने एक वीडियो डाला था उसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन थे लोगों को, तो हमने अभी नई वीडियो पर जाएंगे जिसके अंदर हम देखेंगे कैलकुलेशन डिसोल्यूशन की कैसे करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हम डिसोल्यूशन की कैलकुलेशन करना सीखेंगे। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें, और अगर आपके कोई डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख के हमें बताएं। थैंक यू सो मच।